साइज़ अच्छा खासा है, आप 5 या 6 इंच आपका साइज़ है, लेकिन जो आपकी फीमेल पार्टनर है उनका 3.5 से 4.5 तक ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप 5 या 6 साइज के हैं तो फिर वहाँ पर भाई मेरे चैनल के ऊपर होती है हर टॉपिक के ऊपर खुलकर बात। तो अगर आपको खुलकर बातें करना पसंद है, खुलकर बातें सुनना पसंद है, फटाक से दबाइए सब्सक्राइब का चैनल, कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर होती है हर टॉपिक के ऊपर खुलकर बात। आज का हमारा टॉपिक ये कि कितना अंदर तक ले सकती है महिलाएँ या लड़कियाँ। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लड़के इवन ये सोचते हैं कि आखिर कितनी जगह होती है अंदर, मतलब हम कैसे पता लगाएं कि कितना अंदर तक जा सकता है, कितना अंदर मतलब हम डाल सकते हैं जिससे कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम ना हो, दर्द भी ना हो हमारे पार्टनर को। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि वजाइना के अंदर कितनी गहराई होती है, कितने अंदर तक हम पेनिस को इंसल्ट कर सकते हैं जिससे कि फीमेल पार्टनर को प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि लड़कों के दिमाग में अक्सर ये सवाल मतलब हमेशा चलता रहता है कि यार हमारा जो साइज है वो 5 इंच है या फिर उससे बड़ा साइज है, तो हमारा जो पार्टनर है क्या वो मतलब उसका जो वजाइना है उसके अंदर भी इतना ही मतलब स्पेस होगा जिससे कि हम हमारा जो पेनिस है उसको इंसल्ट कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो कि महिलाओं की जो वजाइना होती है उसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 से लेकर 4 इंच तक की लंबाई महिलाओं की वजाइना की होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लंबाई 3.5 से 4 इंच अगर होती है तो जिन लोगों का पेनिस का साइज 5 या 6 इंच है तो फिर वो क्या पूरी तरह से अंदर वो इंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे सेक्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि महिलाओं की बॉडी के अकॉर्डिंग उनकी वजाइना की जो गहराई और लंबाई है वो उनकी बॉडी पर, बॉडी टेक्सचर पर डिपेंड करता है। कोई लड़कियाँ लंबी होती है, कोई हाइट में छोटी होती हैं, तो पूरी तरीके से जो महिलाओं की लंबाई और गहराई है उनकी बॉडी टेक्सचर पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ 3.5 से 4 इंच ये एक मतलब वो एवरेज लंबाई है हर लड़की की, हर महिला की 3.5 से 4 इंच रहते। बहुत सी लड़कियों की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 4 के बाद ख़त्म हो जाती है, बहुत सी लड़कियों की इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये एक एवरेज है, 3.5 से 4 इंच का एक एवरेज है। और इसके अलावा भी एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब 3.5 से 4 इंच उनकी मतलब एवरेज लंबाई होती है, लेकिन अगलाओं में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता है या मैं ये बोलूँ कि वो बिल्कुल सेक्स के लिए रेडी हो जाती है, तो उनकी जो ये लंबाई है ये 0.5 इंच तक या 1 इंच तक बढ़ जाती है। यानी कि अगर 4 है तो 4 से 5 हो सकती है या 4.5 हो सकती है। इस तरीके से 1 या 0.5 इंच उनकी लंबाई है वो बढ़ जाती है। जैसे कि पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो जब इरेक्शन आता है उसमें तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। सेम वैसे ही प्रोसेस लड़कियों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है कि जब वो उत्तेजित होती है या फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको होता है तो उनका जो वजाइना का जो गहराई है वो 0.5 से 1 इंच बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर किसी की 4 है तो 4.5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, किसी की 3.5 है तो 5.5 तक हो जाएगी। तो होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सारे लड़के ऐसे जिनका पेनिस का साइज़ बड़ा है और उनका फीमेल जो पार्टनर है उसका वजाइना में इतना मतलब स्पेस नहीं है, उनका जो वजाइना की गहराई है वो इतनी नहीं है, तो फिर वहाँ पर उनको पेन का सामना करना पड़ता है, उनके फीमेल पार्टनर को अक्सर दर्द होता है या वो पूरी तरीके से वो इंसल्ट नहीं करवा पाती है। तो ये उसका यही कारण होता है कि आपका तो साइज़ अच्छा खासा है, आप 5 या 6 इंच आपका साइज़ है, लेकिन जो आपकी फीमेल पार्टनर है उनका 3.5 से 4.5 तक ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप 5 या 6 साइज़ के हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, थोड़ा पेन महिलाओं को होता है, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आप लोग समझें इस चीज़ को, ऐसा ना हो कि आप मतलब अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसके ऊपर आप गुस्सा करें कि आप क्यों नहीं कर पा रही हैं, उनको भी पेन होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना जितना बड़ा साइज होगा महिलाओं को उतना मज़ा आता है, भाई नहीं आता है, जितना बड़ा साइज होता है महिलाओं को उतना ही मतलब दर्द का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को समझिए, आपका साइज महिलाओं के दर्द का कारण बन सकता है। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि कितनी गहराई होती है लड़कियों की वजाइना की। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।